अगर एक नॉर्मल हट्स वैसे कपड़ों के भी बनाते हैं ना, तो इसके भी तकरीबन मिनिमम चार्जेस ओवर 2,000 रुपीज़ ले रहे हैं, मतलब एक कपड़ा लगाने के तो परेशान करने वाली बात है। और जो हट्स बने हुए जो बुक होते हैं, उन्होंने अपने रास्तों को ब्लॉक किया हुआ है। आप या तो झाड़ियों से जाएं या फिर अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते। जो लाइफ गार्ड होते हैं वो यहीं के रहायशी होते हैं सारे, ये जो जितने भी बीचेस हैं यहाँ पर इन्हीं के सबके लाइफ, क्योंकि बेहतर तरीका बेहतर जो है ना वो यही लोग समंदर को जानते हैं, मतलब आप शहर से उठा के ले आए किसी को तो वो इतना नहीं बेहतर जानता जो लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे से बच्चे जो हैं स्विमिंग इतनी अच्छी कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो वही बड़े हो गए यही लोग जो है ना आगे आते हैं। अगर करीब में अगर कोई बीमार हो जाए ना, तो हॉस्पिटल यहाँ से कम ना तो ना कुछ ज़्यादा ही दूर है, मारीपुर की तरफ है, वरना तो या तो ऐसा होता अगर कोई अगर जानने वाला हो तो वो एम्बुलेंस को कॉल कर लेते तो वो आ जाती है। सफाई के बारे में ये है कि यहाँ पर सफाई जो समझे कुदरती तरीके से हवा आती है तो वो मट्टी सटी वो जो होता है वो हो जाता है, वरना तो यहाँ पर कचरा दूर ये सफाई वफाई के बारे में कोई भी सफाई नहीं है कुछ भी यहाँ पर। दूसरी बात, अगर फैमिली को लेकर आते हैं तो टॉयलेट्स नहीं है, दूसरों के पास जाना पड़ता है, और अगर उनसे भी अगर कुछ कहो तो वो कहते हैं पैसे, मतलब किसी तरह से सुकून नहीं है।